बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फाइव क्लास, जैसे कि आपको बताया है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर फोर में जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर फोर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान एंड देयर कल्चर, उसकी रीडिंग को हमने कर लिया था कंप्लीट। और साथ ही साथ हमारा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको भी हमने रीडिंग में ही कम्प्लीट कर लिया था। आज हम अपने लेक्चर फाइव की डायरी देखेंगे। डेट है हमारे पास 16 जुलाई, डे है हमारे पास थर्सडे। अब हमने क्या करना है, जो नंबर फोर को जो हमने जिसकी हम रीडिंग कर रहे थे, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। वर्कबुक पेज नंबर 16+17, और इसमें हमारे पास आ जाएंगे पार्ट ए प्लस बी। ठीक है, तो आप लोग सारे बच्चे अपनी वर्कबुक पे आएँ, वर्कबुक पेज 16 पे। सबसे पहले पहला सबसे जो पार्ट ए है उसमें वो क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, MCQs टाइप के हैं क्वेश्चन। सबसे पहला देखें पार्ट ए का जो है हमारे पास, द वर्ड पंजाब वाज इंट्रोड्यूस बाय, लफ्ज़ पंजाब को किसने इंट्रोड्यूस, किसने मुतारफ़ करवाया था। तो वो MCQs दे रहा है हमें, ब्रिटिशर्स, मुगल्स एंड सिख्स। तो जो मुगल्स थे उन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ पंजाब को इंट्रोड्यूस करवाया था। सेकेंड इसका क्वेश्चन देखें, लाहौर इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ प्रोविंस, लाहौर किस सूबे का कैपिटल है, मतलब किस सूबे का कैपिटल सिटी है। तो उन्होंने MCQs दिए हुए हैं पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध। तो लाहौर जो है वो हमारे पास क्या है, कैपिटल प्रोविंस है किसका, सॉरी कैपिटल सिटी है किस प्रोविंस का, पंजाब का। थर्ड पे आएंगे आप लोग, द प्रोविंस ऑफ सिंध डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम डैश वर्ड सिंधु, वो कह रहा है जो लफ्ज़ सिंध है किस ज़ुबान से निकाला गया है जिसका मतलब क्या है, सिंधु है। तो हमने अपनी रीडिंग के दौरान पढ़ा था जो लफ्ज़ सिंध है वो संस्कृत ज़ुबान से निकाला गया था जिसका मतलब क्या है, सिंधु है। अपने क्वेश्चन नंबर फोर पे आएंगे सारे बच्चे, वो कह रहे हैं डैश इज़ बॉर्डर्ड विद अफगानिस्तान टू द नॉर्थ, के जो मशरक़ की तरफ है वो अफगानिस्तान, कौन सा सूबा जो है वो अफगानिस्तान के साथ मिल रहा है। तो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि बलूचिस्तान जो है वो अपनी मशरक़ी सरहदी सरहद के साथ अफगानिस्तान के साथ क्या है, मिल रहा है। ठीक है, फिफ्थ MCQs देखिए, अलेक्जेंडर द ग्रेट इन्वेडर स्वात इन डैश BC। ठीक है, वो कह रहा है कि अलेक्जेंडर ने कब स्वात पर हमला किया था, किस जो है ईयर में किया था, वो हम बताएंगे उसको, 307, 317 और 327। तो 327 ने अलेक्जेंडर ने स्वात पर हमला किया। सिक्स MCQs देखें, डैश इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द प्रोविंस ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा में बोले जाने वाली अहम ज़ुबान कौन सी है। तो पंजाबी जो है वो हमारे पंजाब में बोली जाती है, अरबिक ज़्यादा सऊदी अरेबिया में बोली जाती है। तो पश्तो ऐसी लैंग्वेज है जो क्या कहाँ पे बोली जाती है, खैबर पख्तूनख्वा में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे सारे, इसमें डैश इज़ गेटवे टू माउंटेनियस रीजन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान की पहाड़ी इलाके की तरफ दरवाजे का काम कौन कर रहा है। ठीक है, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद। तो अभी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा जो पेशावर है वो पाकिस्तान में पहाड़ी इलाके के तरफ खुलने वाला एक दरवाज़ा है। क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे सारे बच्चे, पंजाब इज़ बॉर्डर विद, पंजाब जो है वो बॉर्डर किसके साथ है, मतलब इसके साथ कौन सा इलाका है, कश्मीर, अफगानिस्तान और ईरान। तो कश्मीर है जो पाकिस्तान के जो पंजाब के साथ क्या है, बॉर्डर किया गया है। सिंध इज़ लोकेटेड इन डैश कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, सिंध जो है पाकिस्तान के किस कोने में वाक़िया है, तो सिंध पाकिस्तान के साउथ ईस्ट कॉर्नर पे वाक़िया है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे नहीं है ना, हमारे पास साउथ वेस्ट पे, ये हमारे पास साउथ ईस्ट कॉर्नर पे वाक़िया है। वर्कबुक पे पार्ट बी पे आएंगे सारे बच्चे, वो क्या कह रहा है स्टेटमेंट देखिएगा ज़रा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स, हमने खाली जगह को पूर करना है। पहला जो है खाली जगह हमारे पास, उसमें देखें, इन डैश द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वॉज मूव्ड टू इस्लामाबाद फ्राम कराची, कब पाकिस्तान का दारुलखिलाफा बदल कर कराची से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया था, इस्लामाबाद। 1958 1958 में पाकिस्तान का दारुलखिलाफा जो बदल दिया गया था कराची से किसकी तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। सेकेंड फिलिंग दी ब्लैंक देखेंगे, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड अ न्यू साइट इन द बलूचिस्तान एट डैश, वो कह रहा है कि जो पिछली सदी है उसमें जो फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट था उसने कहाँ पे बलूचिस्तान के किस इलाके में हमारे पास एक इलाका दरियाफ्त किया था। तो वो हमारे पास था मेहरगढ़, मेहरगढ़ के करीब उसने एक इलाका, मेहरगढ़ में ही सॉरी उसने एक इलाका दरियाफ्त किया था। द डैश चेंज द नेम ऑफ रिवर फ्रॉम सिंधु टू इंडोस, किसने जो था लफ्ज़ सिंधु को इंडोस में बदला, तो यूनानी थे, हमने जो प्रोविंस सिंध था उसमें पढ़ा था यूनानियों ने लफ्ज़ जो सिंध था सिंधु था उसको चेंज किस में किया था,
डोज में चेंज किया था। अपनी फोर्थ फिलिंग दी ब्लैंक दिखे, वो कह रहा है डैश इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन सिंध। सिंध में कौन सी जो पुरानी जुबान बोली जाती है, तो सिंध में सबसे पुरानी जुबान बोली जाने वाली थी हमारे पास सिंधी लैंग्वेज। डैश इज़ द फेमस स्पोर्ट ऑफ सिंध, पाकिस्तान का सबसे सॉरी सिंध का सबसे जो अहम और मशहूर खेल है वो कौन सा है। तो सिंध वाले ही पैराग्राफ में अगेन हमने रीड किया था कि सबसे मशहूर खेला जाने वाले खेल सिंध में माला खीरो है। सिक्स फिलिंग दी ब्लैंक देखेंगे सारे बच्चे, बलोचिस्तान इज़ रिच इन डैश एंड डैश। बलोचिस्तान किसकी पैदावार में मशहूर है, या मतलब किसकी पैदावार में अमीर तरीन है। तो बलोचिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑयल और दूसरे नंबर पे गैस प्रोड्यूस की जाती है। आज का लेक्चर हमारा यहीं को ख़त्म होता है, क्योंकि आज हमने सिर्फ इसके पार्ट ए और पार्ट बी करने थे। आप लोग सारे बच्चे वर्कबुक पे इसको करेंगे नीट, और बिल्कुल नीट नीट राइटिंग में आप लोगों का काम होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।